तौसीफ रहमान साहब, आपसे न्याय का सवाल किया जा रहा है और आप लोग जवाब में सियासी बवाल की बात कर रहे हैं। असम से लेकर यूपी, बिहार, दिल्ली सब जल जाएगा, क्या मतलब इस बयान का, समझाइए ना। देखिए, सबसे पहले तो एक और दुखद खबर मैं देना चाहता हूँ आपको कि आज बंगाल में पानीहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बीजेपी लीडर को पुलिस ने अरेस्ट किया है। वो रंगे हाथ पकड़ाया है एक काम करने वाली महिला के साथ यौन शोषण करते हुए। ये भी दुखद की खबर है और ये आपके पास न्यूज़ आ ही जाएगा। रही बात सियासी की, तो जो सियासी कर रहा है उसको सियासी में जवाब देना चाहिए, जो राजनीति करना चाहता है राजनीति के हिसाब से जस्टिस लेना चाहता है उसको राजनीति के हिसाब से जवाब देना चाहिए। रही बात हमारे डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट, हमारे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट और जो आम जनता की जो प्रोटेस्ट हो रही है, जो आंदोलन चल रही है, आप किसी भी कैमरामैन को भेजा के आप पूछ सकती हैं और वो बता सकते हैं कि बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। मगर आप मेरे शहर में आके आप रास्ता में आग लगाएंगे, आप बसों में आग लगाएंगे और स्टूडेंट को बेइज्जत करने के चक्कर में, स्टूडेंट को मलाइन करने के चक्कर में आप स्टूडेंट के नाम में प्रोटेस्ट करेंगे, ये तो नहीं होगा मैडम। यहाँ पे ये क्यों होगा? जिस डॉक्टर बिटिया के लिए आंदोलन किया जा रहा है उसकी बात तो आप नहीं कर रहे हैं, आप फांसी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बिल पास होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जितने जल्दी फास्ट ट्रैक में काम होना चाहिए इसकी बात नहीं कर रहे हैं, 12 दिन से सीबीआई के पास केस है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप बात कर रहे हैं प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुआ, वो तो अभी 12 दिन हो चुका है, उसकी बात तो चली रही है, उसमें तो कोताही थी, ब्लंडर हुआ। अब हमको ये बताइए आप कि प्रिंसिपल को लेकर डिफेंड कौन करता है? अब टंग ट्विस्ट करके अब आप ये कह रही हैं, आप नहीं कह रही हैं, अपोजिशन सवाल कर रहा है कि हम भी कहीं पर आग लगा देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम भी कहीं आग लगा देंगे। ममता बनर्जी कोई नौसिखिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, 84 में पहली बार पार्लियामेंट बनी थी वो एक संसद, और उनको अच्छे से पता है वो क्या बोल रही है। वो कह रही है ममता बनर्जी कोई नौसिखिया नेता नहीं है, ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती है ममता बनर्जी क्या कह रही है, और देश ये बहुत अच्छे से जानता है जो जरा से भी राजनीतिक समझ रखता है कि ममता बनर्जी जिस मिजाज की नेता है वो जो कहती है वो क्या कर सकती हैं, ये हम सब जानते हैं, है ना, जिस तरीके की उनकी संघर्ष की राजनीति रही है। अब मेरा सवाल आपसे यही है सर, सड़क पर उतर कर जिस तरीके से संघर्ष करती है इसी मिजाज की नेता है, सड़क पर उतर कर संघर्ष करके दिखाती है इस मिजाज की नेता है, यही कह रही हूँ। आप डिफेंसिव ना होइए, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। और मेरा सवाल ये है कि ये मामला बंगाल का है ना, और अगर मैं आप ही की बात पर जाऊँ तो ये राजनीति बंगाल में हो रही है ना, ये राजनीति बंगाल में हो रही है ना, तो बंगाल का मामला, बंगाल में राजनीति, लेकिन ममता बनर्जी जो कोई नौसिखिया नेता तो है नहीं, वो आग लगने की बात असम, पूर्वोत्तर, बिहार, यूपी, दिल्ली, वो सब जगह आग लगाए दे रही है सर। ये क्या तरीका है, ये परिपक्वता है ममता बनर्जी की? जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत जितना गुस्सा आप हो रही हैं उतना बदलापुर पे गुस्सा नहीं दिखा रही थी, कोई बात नहीं, क्योंकि फोकस तो हमारे ऊपर है। मैं समझ सकता हूं आपकी आपत्ति है, आप मुझसे मत पूछिए कि बदलापुर पर मैंने बात की या नहीं, शायद आप उस दिन डिबेट पे नहीं आए होंगे क्योंकि टीएमसी का उस दिन कोई लेना देना नहीं था। मैं बदलापुर पर भी ऐसे ही तेवर दिखा चुकी हूँ, ठीक है ना, आपने क्योंकि मुझ पर कमेंट किया इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए बंगाल का मामला, आपके हिसाब से राजनीति बंगाल में हो रही है तो आपकी परिपक्व नेता देश के बाकी राज्यों में आग लगाने की धमकी क्यों दे रही है? देखिए, ममता बनर्जी का बिल्कुल आपका सवाल सही है, ममता बनर्जी का जो एक नया चेहरा आया था आंदोलन के तरफ से चेहरा आया था, वो आंदोलन करके वो आगे बढ़ी हैं, वो आंदोलन करके लेफ्ट फ्रंट को हटाई थी। मगर मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जितने भी पुराने विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और 2011 से पहले जितने भी नेता थे बंगाल से, उनसे एक बात पूछिए बैठकर कि जब वो आंदोलन करती थी क्या वो रास्ते में आग लगाती थी, क्या वो बसें जलाती थी, क्या वो लोग को तंग करती थी, क्या किसी के दुकान के अंदर घुस के लूटपाट करती थी कि वो झंडा लेकर? उन्होंने कभी नहीं किया, वो मार खाती थी, उनको राइटर्स बिल्डिंग से उनके बाल पकड़ के टान के लेके जाया जाता था, उनको मारा जाता था, वो बच्चों के साथ बैठ के हंगर स्ट्राइक करती थी, वो जुबो और यूथ के साथ बैठकर 20-20 किलोमीटर चला करती थी। ये आंदोलन होता है और यही आंदोलन हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हॉस्पिटल के बाहर, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर कर रहे हैं और का करना फर्ज बनता है। मगर परसों का जो आंदोलन था वो आंदोलन तो नहीं था, वो स्टूडेंट के आड़ में आप स्टूडेंट को बेइज्जत करना चाह रहे हैं, आप बंगाली बच्चों को बेइज्जत करना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो गुंडे थे, वो स्टूडेंट ही नहीं थे। वो अगर वो स्टूडेंट होते तो कभी जिंदगी में हाथ में एक इतना बड़ा रॉड लेकर नहीं घूमते, हाथ में पत्थर रख के नहीं घूमते, अलग अलग जगह सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप सवाल का जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं।
मेरा सवाल फिर से मैं दोहरा देती हूं सर, अगर 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 आप अभी तक समझे नहीं है सर कि मामला बंगाल का, आपके हिसाब से ये सारी की सारी राजनीति हो रही है ना, इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ रही बीजेपी, यही कह रहे हैं ना आप, राजनीति कर रही है बीजेपी, बंगाल में हो रहा है ना सर। मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी परिपक्व नेता बंगाल की मुख्यमंत्री, वो नॉर्थ ईस्ट, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली सब कुछ जला डालने की धमकी किसे दे रही है सर, क्यों दे रही है सर, ये सवाल है। उन्होंने नहीं कहा कि वो जलाएंगी, उन्होंने कहा जलेगा। और जब आप बंगाल की ये प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं, बंगाल के बारे में बात कर रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए 12 तारीख से हो सकता मोदी जलाएंगे, मुझे क्या पता, उन्होंने कहा वो जलाएंगी, हो सकता नरेंद्र मोदी जलाएंगे जैसे वो गुजरात जलाकर आए थे, हो सकता है कोर्ट ने उनको फिर बाइज्जत बरी किया था इस केस से, हो सकता नरेंद्र मोदी जलाएंगे। ममता बनर्जी ने क्या कहा कि वो मशाल लेकर जाएंगी। रही बात बंगाल की, 12 तारीख अगस्त के बाद से पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, अब यह बात सिर्फ बंगाल तक रही नहीं है, अब यह बात प्रेसिडेंट तक चले गई है। प्रेसिडेंट ने अफसोस जताया है, मगर प्रेसिडेंट ने अब बदलापुर के ऊपर अफसोस नहीं जताया, प्रेसिडेंट बिल्किस बानो के ऊपर अफसोस नहीं जताता है, जब भी कोई अलग प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंट हाथरस के ऊपर अफसोस नहीं जताता, मगर माननीय प्रेसिडेंट ने बंगाल के ऊपर अफसोस जताया, और ये चिंताजनक वाली बात है, ये उनका संविधान अधिकार है और उनको करना भी चाहिए। मगर आप मुझे ये बताइए क्या ममता बनर्जी कह रही थी कि मशाल लेकर जाएंगे असम, ठीक है, एक सेकंड ममता बनर्जी मशाल लेकर दिल्ली जाएंगी, ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश जाएंगी, अभिषेक बनर्जी ने कह दिया शुरू इन्होंने किया है खत्म हम करेंगे हम दिल्ली जाएंगे, वो तो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं ना, अभिषेक बनर्जी को तो नेता मानते हैं ना आप अपना, अभिषेक बनर्जी ने तो कहा कि वो दिल्ली आएंगे, अभिषेक बनर्जी तो कह रहे हैं वो दिल्ली आएंगे, लगेगी आग है ना। अब ये आग लगाने वाली जो बात आप कर रहे हैं, लगेगी आग, घुमा फिरा कर आप बीजेपी को ही इसके लिए जिम्मेदार बना रहे हैं सर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।